जितनी भी मेरी टीम है मैं इनके लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट। कृष्णा स्टेज पे फनी है लेकिन बैक स्टेज डबल फनी है, पूरा पापा बन जाता है। बाबू किसके साथ है? हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मुंबई कितना अच्छा लग रहा है यार, देखो कितना अच्छा ट्रैफिक ही नहीं है। ये बात तो सही है, दुनिया में कहीं भी घूम के आओ अपना शहर अपना ही शहर। मैं भी वही सोच रहा था, मतलब कितना अच्छा शहर है यार हमारा। पैसे खर्च हो गए ना, ये मुझे हिंट दे रहा है कि अपना शहर अपना ही शहर है, मतलब अब कम से कम 2-2.5 साल अपने ही शहर में रहेंगे और फिर जाएंगे। समझ पांडे सही कह रहे हैं? सही बात है। वाह पांडे जी, मैंने पांडे जी के साइज के बड़े कपड़े ढूंढे वहाँ पे, लेकिन वहाँ सब दीक्षा साइज है, मिलते ही नहीं है लोगों के कपड़े। हर्ष के साइज, दीक्षा के साइज, पांडा जी कह रही पांडे जी और मेरा साइज कम मिलता है, लेकिन कोशिश की है मैंने। अब देखो फिर पांडे जी उसमें कैसे लगते हैं, दिखाएंगे आपको। ओह नो कितना प्यारा। हंसो पांडे जी, बिल्ली हंसनी चाहिए। हंसो। कैसा लगा पांडे जी आपको टी शर्ट? वैसे अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे दोगे, मेरे को इतने ड्रेस आ जाएगा जितना ये है, दोगे मुझे वापस के? नहीं क्यों, आप पहनो, अब आपने पहन ली, आप पसीने वाला मैं नहीं लूंगी। पसीना नहीं है ना, इसके ऊपर से पहनना। सो मैं ऑफिस आई हूँ 7-8 दिन बाद बैंकॉक से, जितनी भी मेरी टीम है मैं उनके लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट। बता बोलो तो सही, थैंक यू करो। थैंक यू, देखो बोल बोल के करवाना पड़ रहा है। आमीन। मैंने इसकी तरफ भी कर दिया, मैं लेकर नहीं आई इनके लिए, क्योंकि मेरे अपने तीन बंदे थे बस, ये एमरोन शक्ति और यामिन, तीन बंदे थे मैंने ले लिया। और अपना पांडे जी, मैंने मुन्ना से कहा था कि मुन्ना तेरे 4-3 दोस्त हैं, 2 संतोष और 1 सौम्य, इनके लिए ले ले। इसने इग्नोर कर दिया और बोला पहले मैं अपने लिए तो ले लू, अपने लिए पहले ले लू, फिर इसने नहीं लिया। क्या कहोगे इस बारे में? अच्छा लगा, पर अब मैं इन सबको टी शर्ट दे रही हूँ तो तुमको मुन्ना के लिए क्या कहना है? और तू उसके खाने का ध्यान रख, देख 7 दिन गया, ला तो सकता था ना। एमरन टी शर्ट कैसी लगी देखा, कहा है? ये ग्लो करने वाली है ना, रात को कर लेंगे। थाईलैंड गया नहीं, बट ये डाल देगा नाइस। थाईलैंड क्या करेगा? एमरन भाई जलेगा। A few minutes later. अब मैं निकल गई हूँ कहाँ, अवार्ड के लिए, क्योंकि आज है ITA और टीवी पे पता नहीं कब आएगा, लेकिन मेरा व्लॉग पहले आ जाएगा। तो आज कृष्णा के साथ हम शो ओपन करने वाले हैं। कृष्णा के साथ जब कुछ शो ऑफर होता है तो इतना मजा गुदगुदी होने लग जाती है, क्योंकि इतना, मतलब कृष्णा स्टेज पर फनी है लेकिन बैक स्टेज डबल फनी है। अरे भारती जी ऐसा होगा, मैं गिर गया, भारती जी इतना फनी और बहुत क्यूट है। थैंक यू कृष्णा यार, इतना हंसाते और बहुत ध्यान रखता है। जब भी मैं उसके साथ शुरू किया, हुआ भारती जी खाओगे ये खाओगे वो, मतलब पूरा पापा बन जाता है। सो चलिए अभी चलते हैं, स्क्रिप्ट करनी है, बहुत लंबी स्क्रिप्ट है। A few minutes later. तो चलिए जी पहुंच गए हैं चित्र नगरी मुंबई। लोग देखो दूर दूर से आते फिल्म सिटी अंदर से देखने के लिए। ओ स्वीट यार। किसु और भरत सर, तो मैं टेंशन फ्री हूँ, मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा, मैं चाय और बिस्किट खा रही हूँ। कृष्णा ने, अरे कर लेंगे भारती जी, हो जाएगा जी साथ में तो क्या है? एक लड़का है जिसकी दाढ़ी भी है लेकिन उसकी मम्मी ने टीका लगा के भेजा है। कितना प्यारा बेबी, वीडियो बना रहा था मैं, क्या मैं इसका आपके साथ है? किसके साथ है? मुझे लगा कृष्णा के साथ ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा ITAs हैं आप। तो गाइस अंधेरा हो चुका है क्योंकि रात में ये अवार्ड तभी शुरू होना था, क्योंकि ये जो ग्राउंड है फिल्म सिटी का, नाइट में ही जब लाइटें वाइटें चलेगी तो तभी अच्छा लगता, दिन में तो होता नहीं है। सो नाइट, रात शाम शुरू होती है तो परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। अब मैं देख रही हूँ म्यूजिक बज रहा है, एक परफॉर्मेंस शुरू होगी, उसके बाद मेरी और कृष्णा की बारी है और फिर कल भी मेरा शूट है यहीं पर। और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी और आज मेरा पाव भाजी खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों रुक, ऐसे लग रहा है मैं खड़ी होके खाऊं कहीं पे पाव 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 भाजी, सच में और खड़ी होके खाने का मन कर रहा है।
तब ठीक है। अच्छा मतलब मैं खट्टा खाऊंगी तो ये कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन पाव भाजी मैं खाऊंगी तो पाव भाजी वो तो प्रेग्नेंट होते हैं। मन कर रहा है ना कुछ भी खाने का मन करता है, सबका होता है। तुझे क्या पता, तू लड़का है, मुझे पता है। मतलब तेरा भी कुछ खाने का मन करता है तो प्रेग्नेंट होती है। यस हाँ, तो प्रेगनेंसी में खाने का मन करता है। दिल करता कि मैं ऐसे चुप रह के फोटो सेशन करवाऊं अपने, मतलब एक होता ना कि लड़कियों का स्टाइल होता है ये वाला तब करवा ना। नहीं मेरी हंसी निकल जाती यार, मेरे से नहीं होता। तो चिन अप ऐसे कुछ लुक डाउन साइड देखिए, थोड़ी लिप्स खोली, मेरे से होता ही नहीं यार। मेरे तो 3-4 स्टाइल है बस, खत्म। सो एक दादा आए हमें चाय देने के लिए और उनको देख के मुझे किसी की याद आ गई, बताती हूँ। मुन्ना की, हमारा एक मुन्ना बॉय है, उसका भी पेट आपके जैसा मोटा है, पर आप शादीशुदा हो ना जी। बच्चे हैं है। कितने? दो, एक लड़का एक लड़की। शर्म आनी चाहिए मुन्ना, उनके एक लड़का एक लड़की दो बच्चे हैं और तब पेट मोटा है उनका। तुम्हारा एक बच्चा भी नहीं और तुम 26 साल के हो, तुम्हारा पेट देखो कितना मोटा। ऐसे नहीं होना, वो लड़का है 26 साल का और उसका पेट मोटा है, तो उसको दादा कुछ कहो के कम करे, उसकी शादी नहीं होगी फिर। बोलो उसको, मुन्ना नाम है उसका। मुन्ना नाम है, मुन्ना जी की बोली वॉक करने के लिए। ठीक है, सुबह सुबह अपन पॉटी नहीं, वॉक करने के लिए। वॉक? अच्छा, मैं कहती सुबह से वॉक करने के लिए दौड़े। और खाने पीने का कुछ? खाने पीने थोड़ा कम करे जाए। सच में दादा, वो लड़का उसका पेट मोटा है, अच्छा लगता है। आप तो चलो पति हो पिता हो ना, तो आपका बनता है पेट। चलो थैंक यू दादा, हाथ मिलाओ, ऐसा ही पेट बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दादा, चाय पिलाते रहना। आपका नाम क्या है? अरुण। अरुण दादा, आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, सबको हाय कह दो। चलो बाय। मुन्ना सीख कुछ, उन्होंने तेरे को क्या बोला? पेट को ऊ करो सुबह सुबह, वो करना है सुबह सुबह। तू वो नहीं करता ना जी, तू वो नहीं करता ना। राज दादा कहता है इसीलिए जमा होता है और पेट मोटा लगता यार मुन्ना। तो चलिए जी, हम जा रहे हैं शूट पे। मैं नीचे उतर गई थी और बस डर फिर से लग रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं, कृष्णा है साथ में, मजा बहुत आएगा। चलो गणपति बप्पा मोरिया। मैंने कहा okay, को हंस रहा था। अरे मत करो, ये वही लड़का है, व्लॉग वाला। ये लड़का फिर आ गया दोस्तों, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। शक्ल दिखाई, दिखाओ फिर दोबारा। ओ क्या नाम है? महादेव। आपका? अरविंद। थैंक यू भैया। अरे ढीट 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 बंद ही नहीं कर रहे। चलो 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 ढीट भैया बाय। चलिए जी, मैं घर आ गई हूँ। मैं घर आके उदास हो जाती हूँ जब मैं शीला से पूछती हूँ, शीला भैया कुछ खाया? नहीं दीदी, कटोरी में चावल खाया। पता नहीं जब से थाईलैंड से आए इसको बीमार हो गया, गला खराब, नाक बंद, बुखार। मैं भी वहीं से आई हूँ, मेरा तो गला खराब नहीं है कोई मतलब, तो मेरा भी गला खराब है, बट मेरे को बुखार नहीं है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, अपना इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है, और अब देखो बाबू। ये क्या है? क्या है भाई? भारती बुखार है यार। आधे घंटे से बाहर से अंदर आ गया, कहता मेरा मैं सर दुख रहा, भारती मैं सोने जा रहा हूँ। और रीला देख लिया तू? अति रील देख रहा हूँ ये वाली। पापा कम से कम बोले 6-7 साल बाद। कितना प्यारा था ना पापा। मम्मी 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 करे मम्मा मम्मा। इसने मेरा सारा गुस्सा ही शांत कर दिया। बट यार बुखार में जब आप आपको वीकनेस हो तो आपको ना ये फोन वोन बंद करके एकदम शांति एकदम, मतलब तू आधे घंटे का फोन चलांदा भी आया? नहीं भारती, मेरा बैटरी सो खा खत्म हो रहा है, बैटरी खत्म, सो खा, बैटरी खत्म हो रही है, सो खा। सो क्या, 200 खा लूंगा। सो खा ओ, मतलब कसम खा। क्या कसम खाऊं? तो मैं कब से सो खा कर दी, तुम समझ गई? फिर फोन अंदर। मत कर हर्ष, बुखार ठीक नहीं होगा पता, अगर तू अपने आप को रेस्ट नहीं देगा। बुखार ठीक पता है कैसे होगा? अगर तू लाइट ये जो मेरे सर पे ऑपरेशन वाली बंद कर देगी ना। क्या लाइट है यार, क्या लाइट है, मतलब क्या आर्किटेक्ट को क्या समझाया था तूने? गलती हो गई तेरे पे भरोसा करके भाई, गलती हो गई। अगली बार से मैं बनाऊंगा इंटीरियर पूरा। ओह नो।
साथियों मेरे को डर लग रहा है कि अभी इसको बुखार है, वीकनेस है, फिर भी इतनी कटीली कड़वी बातें कह रहा है ना, इतनी इतनी कटल जैसी ऊपर से तीखी बातें कह रहा है ना कि तू अगर ये बंद कर दे, मैं आधे घंटे से मैं बात करती हूँ, काम करके आई, कुछ बताती हूँ, तू कुछ करके तू बता, मैं सुने जा रहा हूँ। मेरे को कुछ बताना नहीं है तुम्हें, ना तुम्हारा कुछ सुनना है मुझे, ठीक है, गुड नाइट, सोने देना भारती, चल जा यहाँ से, रख देना। मतलब जब चश्मा उतर गया दोस्तों तो समझो कि ये सोने लगा है। वो फिल्म देखी, कोई फिल्म है रजनीकांत की, जब रजनीकांत ने वो जो कंधे पे जो गमछा होता सुक सुक ऐसा कर दिया ना, तो फिर वो उसकी बात अटल होती है। तो इसने जब चश्मा उतार दिया तो मतलब ये उठेगा। ओ क्या करता है, मैं वो कहानी सुन रहा था, बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। कौन सी फिल्म थी? तू सो ही जा, लाइट बंद करनी बनती है। थैंक यू दोस्तों, इसको वो फिल्म का याद नहीं है कि वो फिल्म कौन सी है, मुझे याद है वो फिल्म कौन सी। आप कमेंट करके बताओ भैया, एम ही बताओ, मैं बता दूंगी वो फिल्म कौन सी है। तू बता, जिसमें जिसमें रेखा है, रजनीकांत है और अपना वो कौन है, वही है यार, विरासत। विरासत नहीं, नहीं आज मुझे याद है। अरे मेरे को याद आ रहा है, ये भुला ही जा रहा है। वो पिक्चर है यार बुलंदी, ये सही जवाब है आपका, बुलंदी पिक्चर है वो, जिसमें जिसमें वो ऐसा करके कर देते उनका फैसला अटल हो जाता है। यार बड़ा मेरी एनर्जी लगी पता है ये सोचने में। चलिए भी आज मैं बहुत थक गई हूँ और बैंकॉक से आके मैंने ज़रा भी रेस्ट नहीं किया, बाकी जनाब कर रहे हैं रेस्ट पूरा। बाय बाय, जिसने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए यार, कर लीजिए। लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, पहले मैं उनको भी कह दूँ थैंक यू सो मच यार। वो बड़ा अच्छा कमेंट है, हर बार ये किया होता है कि रिस्पेक्ट बटन फॉर भारती, थैंक यू, ये है मेरा रिस्पेक्ट बटन, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। क्या मैं आज आपके साथ इधर आपके और आपके बेबी के साथ सो सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना क्लोज नहीं होना।